नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। छत्तीसगढ़ के मानचित्र में अभी वर्तमान नगर पंचायत की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लग गए हैं और कमीशन और भ्रष्टाचारी का गढ़ बन चुका है। विकास के नाम पर मात्र लीपा पोती और शासन की राशि का जमकर बंदरबांट किया जा रहा है। यहाँ के नगरवासी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि नगर पंचायत अध्यक्ष कौन है और किसके इशारे पर काम हो रहा है। और अभी वर्तमान में कमीशन की बड़ी ऑडियो वायरल होने पर अफरा तफरी मच गई और शासन सत्ता के नगर पंचायत के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि अब बेबुनियाद आरोपों को लेकर आवाज उठाकर अनुविभागीय अधिकारी को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष प्रेम भंसाली के कार्यकाल का उनके रिश्तेदारों की ओर से करोड़ों के कार्य की जाँच किए जाने की कुछ वर्ग विशेष द्वारा मांग की जाती रही है। इसी संदर्भ में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष स्वयं अपने कार्यकाल के उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मेरे कार्यकाल में चाहे टेंडर प्रक्रिया हो, शौचालय निर्माण, पीएम आवास योजना, समान खरीदी, निर्माण कार्य या अन्य कोई भी कार्य अगर जांच की श्रेणी में आता है तो मैं खुद शासन से अपने कार्यकाल के कार्यों की उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं, जिससे क्षेत्र और नगर में मेरी छवि स्पष्ट हो जाएगी कि मैंने अपने कार्यकाल में अपने पद के साथ न्याय किया है कि अन्याय। क्योंकि ये बात सर्वविदित रहा है कि पूर्व में जितने भी भ्रष्टाचारी ठेकेदार या पेटी ठेकेदार रहे हैं, मैंने किसी की भी दाल नहीं गलने दी थी, जिसके कारण मुझे अपने कार्यकाल में सुचारू रूप से चलाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। मुझे राजनीतिक रूप से या भ्रष्ट ठेकेदारों द्वारा अनावश्यक मेरे कार्यकाल के टेंडर प्रक्रिया को जांच में लगवाकर बहुत परेशान किया था। मैंने अपने कार्यकाल के अंतिम समय तक मैं मंत्री अनिला भेड़िया के आशीर्वाद से नगर में बहुत सारे कार्य को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है और वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कार्य प्रणाली से नाराज होकर वार्डवासी और नगर के बुद्धिजीवी ने भ्रष्टाचार और अन्य विषयों पर रैली निकाली थी। आज सब घटनाओं के बाद अध्यक्ष और उनके पति गोपी साहू और यहाँ के ठेकेदारों के पाव फूलने लगे हैं कि जांच हुआ तो जेल जाना न पड़ जाए। इन सब बातों से घबराकर अपने पार्षदों को गुमराह में रखकर मेरे कार्यकाल की जांच हो का आरोप लगाया जा रहा है, जिससे कि शासन का ध्यान मुख्य विषयों से हट जाए और अभी महत्वपूर्ण वीडियो वायरल होने के डर से इन लोगों में अफरा तफरी मची है। तो मेरा लेकर लगा समक्ष लगाया हूँ जल सूचना अधिकारी राजेश पात्र को, नहीं आ पाया तो ऐसा क्यों लिखता है? मेरा 3 आवेदन लगा हुआ यहाँ, अस्पष्ट कारण क्या है? नहीं देने लगा, नहीं उनके पास लगा हुआ, नहीं देगा, हम देंगे, लगा है नहीं कर रहे हैं। एक जन भेज नंबर रख क्या, एक जन तो भेज देते हैं, रामगढ़ में साथ खैर तो अखबार नहीं। जैसे ही सोशल मीडिया में अखबारों में नगर पंचायत अध्यक्ष लोकेश्वरी गोपी साहू के विरुद्ध सोशल मीडिया में जब उनके कमीशन मांगने का ऑडियो रिलीज हुआ, जिसमें अध्यक्ष कहती है कि कमीशन मेरा अधिकार है, जिससे वो बुरी तरह से बौखला कर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष प्रेम भंसाली के विरुद्ध, उनके रिश्तेदारों के फर्म तरिष्का कंस्ट्रक्शन धमतरी के विरुद्ध अनाप शनाप बौखला कर कुछ भी नियम विरुद्ध कार्य करने लगी और नियम विरुद्ध में जाकर तरिष्का कंस्ट्रक्शन धमतरी को ब्लैक लिस्टेड किया गया और लगातार पूर्व अध्यक्ष के कार्यकाल की जांच किया जाए, ऐसा उनके द्वारा कहा गया, जिससे पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष प्रेम भंसाली द्वारा उच्च स्तरीय अपने कार्यकाल की जांच की बात कही गई कि कोई भी तरीके से जैसा भी शासन चाहे पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत प्रेमचंद भंसाली के कार्यकाल की जांच होनी चाहिए। ये पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष प्रेम भंसाली ने खुद कहा और अभी जो वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल में जो बेहिसाब भ्रष्टाचार हो रहा है और जो पुराने जितने भी भ्रष्ट ठेकेदार पेटी ठेकेदार थे उनका पुनः वापसी, इस बात को दर्शाती है कि इस कार्यकाल में कितना बेतहाशा भ्रष्टाचार चल रहा है। अगर इसका उच्च स्तरीय जांच होता है कि लोगों के होश उड़ जाएंगे कि ये लोग नगर को बचाने नहीं, नगर को बर्बाद करने के लिए यहाँ पर अपने प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।